हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मेथाजिन टैबलेट के बारे में। इसका यूज कैसे करें, कब करें, इसका क्या फ़ायदा है, इसका डोज कितना दें और इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका MRP कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, एक्सपायरी डेट कब का है, पूरी डिटेल से हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले हम इसका ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम है मेथाइजिन है। यह मेथाइजिन नाम से सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसका प्रचलित नाम है। इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन है मेथाइल अर्गोमेट्री मिलेटेड टैबलेट IP यानी इंडियन फार्मेसी है। मेथाइल अर्गोमेट्री मिलेटेड टैबलेट इसका कॉम्बिनेशन नेम है। भले ही सभी का कंपनी अलग अलग हो लेकिन मेथाइल अर्गोमेट्री मिलेटेड टैबलेट IP सबका एक ही होगा। अब हम इसका कंटेंट की बात करें तो यह इस टैबलेट में कितना कंटेंट, क्या क्या चीज़ मिलाकर यह बनाया गया है। इसका कंटेंट की बात करें तो इसमें मेथाइल अर्गोमेट्री मिलेटेड IP 0.125 mg मिलाकर यह बनाया गया है। सिर्फ एक ही कंटेंट इस टैबलेट में मिलाकर बनाया गया है, मेथाइल अर्गोमेट्री मिलेटेड IP 0.125 mg खाली मिलाया गया है। अब हम इसका कंपनी की बात करें तो यह किस कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है। यह इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसका हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। इसका मैन्युफैक्चरिंग LIC नंबर की बात करें तो इसका LIC नंबर 5 UASCP 2017 है। इसका बैच नंबर की बात करें तो यानी घन संख्या की बात करें तो T230-1184 है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण तिथि कब निर्माण हुआ है उसका डेट की बात करें तो यह जनवरी 2023 में हुआ था, बनाया गया है। और इसका एक्सपायरी डेट की बात करें तो दिसंबर 2024 यानी 12वां महीना 2024 में इस टैबलेट का एक्सपायर हो जाएगा। इसका MRP की बात करें तो इसका MRP है 89.26 रुपये। यह सभी मेडिकल स्टोर में कुछ डिस्काउंट करके मिल जाएगा। अब हम इस टैबलेट का यूज यानी फ़ायदा की बात करें तो कब यह टैबलेट दिया जाता है। यदि किसी महिला का डिलीवरी होने के बाद उसका ब्लीडिंग हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यह टैबलेट दिया जाता है। यदि किसी महिला का DNE या DNC हुआ है तो उसे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यह टैबलेट देने के लिए सलाह दिया जाता है। यदि किसी मिसकैरेज के बाद कुछ प्लेसेंटा का पार्ट अंदर रह गया हो तो उसे बाहर निकालने में यानी बच्चेदानी में जो कचरा यानी इन्फेक्शन बचा हुआ रहता है उसे बाहर निकालने में यह टैबलेट काम करता है। इस टैबलेट को ज़्यादातर डिलीवरी मिसकैरेज DNE के बाद ही ज़्यादातर देने का सलाह दिया जाता है। अब हम इसका डोज की बात करें तो यह टैबलेट एक दिन में 3 बार यानी सुबह दोपहर शाम देने का सलाह दिया जाता है। TDS करके इस टैबलेट को दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। यह टैबलेट 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इस टैबलेट को देने का सलाह नहीं दी जाती है। अब हम इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, अधिक ब्लीडिंग भी हो सकता है इस टैबलेट से, नौजिया वोमिटिंग आलस भी आ सकता है इस टैबलेट से। अब हम इसका बात करेंगे कि यह टैबलेट किसको नहीं देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का BP हाई हो तो उसे इस टैबलेट नहीं देना चाहिए। यदि किसी महिला का पेट में बच्चा हो तो उसे इस टैबलेट नहीं देना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति किडनी से भी संबंधित बीमारी हो उसे तो इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उसे ये इस टैबलेट को नहीं दे सकते हैं। यह टैबलेट ज़्यादातर महिलाओं को दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।